हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि ये ड्राइंग है। अगर इसमें पेशेंस नहीं रहोगे तो कैसे होगा, है ना। आज हम थोड़ा सा फैब्रिक की तरफ बढ़ते हैं, फैब्रिक कैसे ड्रॉ करते हैं ये थोड़ा सा जान लेंगे, और बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं तो इसे ग्रिड मेथड से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको ग्रिड मेथड नहीं पता तो यूट्यूब पे जाके कोई भी आप ग्रिड का वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं बाद में बना दूंगा कि ग्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं। एनीवे, सो फैब्रिक में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शेडो एंड लाइट, और ये बारीकी से आपको देखना होगा कि कैसे होता है। सबसे पहले जो पैटर्न है, आउटलाइन है, इसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज आ रहा है तो उसे इग्नोर कर दे, क्योंकि घर में सब नॉइज करती है। ओके, ये सब मैं 2B पेंसिल से कर रहा हूँ। 2B पेंसिल आपको तो पता होगा, ये थोड़ा सा हायर ग्रेड वैल्यू देता है, लाइक HB से थोड़ा सा ज़्यादा ही। ऑलराइट, आप चाहे तो HB से कर सकते हैं। तो ये है H पेंसिल, स्टेडलर का पेंसिल, इससे मैं करता हूँ, ठीक है। कोई लाइन अगर ऐसा है, या फिर कोई भी लाइन है, तो उसे डायरेक्टली ऐसे ऐसे मत ड्रॉ करो, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करना कि थोड़ा सा वाइब्रेशन के साथ ऐसे ड्रॉ करना, इससे आप ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, कि आप जब आप HB से ड्रॉ कर रहे हो या फिर 2B से ड्रॉ कर रहे हो पेंसिल, ग्राफाइट पेंसिल से, तो आप उससे थोड़ा सा हायर वैल्यू पा सकते हो अगर प्रेशर देते हो तो। समझे मेरी बात को, कि अगर मान लो कि आप 2B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल यूज़ कर करते हो, तो आप 6B तक का वैल्यू ला सकते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के, ठीक है। तो नॉर्मली ड्राइंग करते टाइम मैं कुछ ही पेंसिल यूज़ करता हूँ, लाइक H पेंसिल, ये स्टेडलर का, फिर 2B एंड 4B और फिर चारकोल, ये सब कुछ पेंसिल, और अगर 6B ज़रूरत पड़े तो 6B भी। तो ये कुछ पेंसिल्स मैं यूज़ करता हूँ। सब पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको पता हो कि ये तो सब ग्राफाइट पेंसिल्स ही है ना। तो अगर सब कुछ ग्राफाइट पेंसिल है, अगर आप प्रेशर मेंटेन करते हैं, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं HB का एक वैल्यू दे रहा हूँ, अगर मैं इसको प्रेशर ज़्यादा दूँ तो ज़्यादा वैल्यू निकलेगा, अगर कम दूँ तो कम वैल्यू निकलेगा, सिंपल है। ऑलराइट, इसमें 3 चीज़ हम करेंगे। पहले तो शेडिंग, क्योंकि हम हैचिंग टेक्निक से करेंगे, हैचिंग टेक्निक, और दूसरा उसके ऊपर ब्लेंडिंग, एंड लास्ट में होगा इरेज करना। और एक बात है कि आपको ब्लेंडिंग का मज़ा तब आएगा जब आप शेडिंग ब्लेंडिंग जब आप शेडिंग ब्लेंडिंग की तरह करें। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो शायद, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ, है ना। क्या मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ कोई भी ब्रश से या फिर टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ क्या? नहीं ना, मैं सिर्फ पेंसिल से कर रहा हूँ, मतलब पेंसिल से ही मैं ब्लेंडिंग का काम दोनों एक साथ कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर अगर ब्रश चलाऊँगा ब्लेंडिंग का या फिर टिश्यू पेपर का, तो फिर ये और भी स्मूथ हो जाएगा, यू नो, एकदम मुलायम सा वैल्यू देगा। नीचे चारकोल है तो चारकोल दे देता हूँ।
सो ये हो गया चारकोल का, इसको मैं हाथ से ही ब्लेंड कर सकता हूँ। बेशक मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अभी तक आपने अगर क्लास ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और क्लास होता है इंग्लिश लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज में, और बाकी यूट्यूब पे वीडियो आता है, कोर्सेस है हिंदी में। ये सब मैं एच पेंसिल से कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सब कुछ एच पेंसिल से कर रहा हूँ। अगर ग्रेड बढ़ाने की कोशिश किया जाए तो मैं ये 2B पेंसिल यूज़ करूँगा। और उससे आगे 4B पेंसिल, बस इतना ही। तो ये पूरा मैंने 2B से किया, जहाँ तक हो सके। थोड़ा सा डार्क वैल्यू है ना, मैंने क्या कहा कि आपको पहले लोअर वैल्यू यूज़ करना, फिर हायर वैल्यू यूज़ करना। लाइक पहले आप एच पेंसिल से स्टार्ट करो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसके बाद एच बी पेंसिल, फिर 2B पेंसिल, फिर 4B पेंसिल, जहाँ तक आपका मन चाहे कि वैल्यू इतना होगा, सटीक होगा, तो वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर चारकोल है, इतना डार्क है कि ये चारकोल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप डेफिनेटली एक बार में चारकोल दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक नहीं जा रहा हूँ, लाइक एच बी से मैं 6B तक की पेंसिल नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले ही चारकोल दे रहा हूँ। राइट, अभी इसको मुझे ब्लेंड करना होगा। चलिए ब्लेंडिंग की तरफ। ब्लेंड के लिए मैं यूज़ करूँगा हॉग हेयर ब्रश, ये हॉग हेयर ब्रश नंबर 2। धीरे धीरे ब्लेंडिंग करना, जल्दबाजी में सबसे बुरा काम आपको मतलब जल्दबाजी में सब कुछ बुरा ही होता।
अब इसके बाद आपको यूज़ करना होगा ये इरेजिंग, इरेजिंग के लिए मतलब पेंसिल इरेजर, राइट। ये है कोहिनूर का हार्डमूथ पेंसिल इरेजर, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये है कोहिनूर का हार्डमूथ पेंसिल इरेजर, इसको आपको यूज़ करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ड्राइंग में, मैं हमेशा इसे यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। अब हाईलाइट की बारी, तो इससे हाईलाइट देना होगा आपको। ये हो गया डन। देखिए आपको तब तक ड्राइंग करना है जब तक ना आप सेटिस्फाई हो जाए, समझे मेरी बात को। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो ड्राइंग करके क्या फायदा। तो इसीलिए आपको तब तक ड्राइंग करना है जब तक आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। और प्रोसेस कोई हाई फाई प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस तो सिंपल है, प्रोसेस सेम ही है, बस आपको वो ज़्यादातर टाइम करना होगा, 2 times 3 times 4 times, जब तक ना आपको वो रिजल्ट जो चाहिए आपको वो मिल जाए। और ड्राइंग में काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे ड्राइंग क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इसके बाद फिर से इसे ब्लेंड करना होगा। ध्यान रहे जब मैं इरेजिंग कर रहा था तो मैं मतलब वैल्यू घटा रहा था, अब इसके बाद ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, इसका वैल्यू इस जगह पर्टिकुलर जगह का वैल्यू दूसरे के हिसाब से बहुत घट गया।
एंड ये हो गया। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको फ्यूचर में और भी कुछ सीखना है इस चैनल से तो ही करना। लास्ट में मैं यूज़ करूँगा ये बैटरी ऑपरेटेड इरेजर, क्योंकि ये लास्ट में ही यूज़ करते हैं, फर्स्ट में कौन यूज़ करते हैं। और मैं जो बातें बोलता हूँ इस चैनल पे उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना, उसे पहले खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि सही है कि गलत। अगर आपको गलत लगे तो आप कोई और टेक्निक जो कि आपका खुद का टेक्निक होगा उसे ट्राई कीजिए, तो उससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। सो तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिन में आने वाला है और मैं हर एक टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो अगर आपको फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए ऐसे आप चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ये तो फ्री है आपके लिए। एंड सीखिए, रोज़ सीखिए, ठीक है। ये ड्राइंग रोज़ सीखने की चीज़ है, लोग वर्षों बिता देते हैं फिर भी सीख नहीं पाते, बहुत कम सीख पाते ऐसे वो बोलते हैं। वो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं लेकिन वो मुँह से बोलते हैं कि कम सीख पाते। तो सब लोग एक लर्नर फेज पे रहे तो ही बढ़िया। एंड अंटिल देन बाय, थैंक यू सो मच।